हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। फाइनली आज अपने पास आ चुकी है 2023 मॉडल यमहा M315, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस बाइक में 2023 में यमहा ने कुछ अपडेट किया है, तो वो अपडेट क्या क्या है और इसका क्या प्राइसिंग पहले से बढ़ा हुआ है वो मैं आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चले पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यमहा M315 मेटलिक ब्लैक कलर। तो गाइस, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि यह बाइक आपको कैसी लग रही है, यमहा M315 जो मेटलिक ब्लैक कलर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह निकल के आती है, सेम वही आपको लुक मिलती है। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ना तो इसमें आपको ग्राफिक्स चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे आपको M315 की आपको बैजिंग मिल जाती है, कुछ इस तरह से आपको इसका टैंक मिलता है, काफ़ी मस्कुलर आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है, इस तरह इसका साइड प्रोफाइल निकल के आती है। एग्जॉस्ट भी देखेंगे सेम वही आपको मिलता है। तो क्या इस बाइक में आपको चेंजेस देखने को मिलता है, अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ आप देखेंगे इसका जो फ्रंट लुक आपको मिलती है सेम वही लुक मिलती है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे LED डायल्स आपको मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखेंगे जो पहला अपडेट आपको देखने को मिलती है इस बाइक में, अब आपको इसमें टर्न सिग्नल, जो पहले आपको बैल वाले टर्न सिग्नल मिलते थे, अब उसे रिप्लेस कर दिया है यमहा ने। अब आपको इसमें मिलते हैं LED टर्न सिग्नल इस बाइक में दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा अपडेट इस बाइक में आपको देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब आपको जो 2023 की लेटेस्ट मॉडल है यमहा M315, अब आपको डुअल चैन ABS देखने को मिलता है इस बाइक में, जो यमहा ने इस बाइक में अपडेट किया है 2023 मॉडल में। अब आपको इसमें डुअल चैन ABS दे दिया है, पहले आपको सिंगल चैन ABS मिलती थी। तो गाइस, आपका कहना था कि अब M315 में डुअल चैन ABS दे देना चाहिए, तो फाइनली यमहा ने हमारी बात सुन ली, तो इसमें डुअल चैन ABS दे दिया है, जो सेफ्टी लिहाज से देखें तो इसमें आपको जो काफ़ी अच्छा अपडेट किया है इस बाइक में। तो डुअल चैन ABS आपको मिल जाता है, मैं आपको दिखा दूँ रियर में भी आपको यहाँ पर ABS आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन अपडेट किया है यमहा ने। अब गाइस, अब बात करें इसके अगले अपडेट की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इसका नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके मीटर कंसोल में अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स इसमें दे दिया गया है, जैसा कि आपको यमहा R15 PM में मिलता था, सेम वही आपको फीचर्स मिलता है जैसा कि पहले भी मिलता था। फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है, डिजिटल क्लॉक, गियर सेटिंग इंडिकेशन और किलोमीटर ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। ऊपर आपको यहाँ पे एक लाइट मिलती है, इसे आप ऑन करेंगे तो ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिलती है। और अब बात करें इसमें और फीचर्स आपको इस बाइक मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से फ़ोन कॉल, SMS अलर्ट, जैसा कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलता है, तो उसे आप यहाँ की वाई कनेक्ट ऐप से रिपेयर करते हैं। जो भी कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें दिया गया है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो टर्न सिग्नल आपको मिलती है, तो ये सभी कुछ अपडेट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं 2023 मॉडल में। अब गाइस, बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात, तो सबसे पहले बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो सेम वही आपको सस्पेंशन लगी मिलती है। तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, जो कि इसमें गोल्डन कलर का आपको मिलती है। फ्रंट फेंडर आपको इसमें ब्लैक कलर में दिया हुआ है, और आपको जो व्हील्स मिलती है रेड कलर का इसका व्हील्स दिया हुआ है, 17 inches का व्हील साइज मिलती है फ्रंट में, और 17 inches का व्हील साइज रियर में भी मिलती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो डुअल चैनल आपको ABS मिलता है, 282 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट में, बाई ब्रेक का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। टायर सेक्शन की बात करें 100x80 17 inches का ट्यूबलेस टायर फ्रंट में दिया हुआ है। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको सेम वही आपको इंजन लगी मिलती है, 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, और जो पावर आपको सेम वही मिलता है, क्योंकि इसमें आपको जो मैक्स पावर निकल के आती है इस बाइक में 18.1 BHP की आपको पावर मिलती है, एट 10,000 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 14.1 Nm का आपको टॉर्क मिलता है, एट 7,500 RPM में मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और इंजन पे आप देखेंगे दोनों साइड में तो यमहा की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, और कुछ इस तरह से इसमें इंजन गार्ड दिया हुआ है। ये तो हो गया इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात, और यहाँ पे आप देखेंगे MT कि आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे देखेंगे फुट पैक्स आपको मिलता है, मेटलिक आपको लगा मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बाइक में लगी मिलती है। और रियर में आपको जो सस्पेंशन लगी मिलती है मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको लगा मिलता है इस बाइक में। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है, जैसा कि डुअल डिस्क के साथ है, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है विथ ABS के साथ। और रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको जो टायर लगा मिलता है इस बाइक में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 140x70 R17 inches का आपको ट्यूबलेस टायर इस बाइक में लगा मिलता है, जो काफ़ी वाइडर टायर आपको मिलती है इस बाइक में।
ओवरऑल इस तरह से लुक निकल के आता है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका रियर प्रोफाइल, तो रियर में आपको जो टच सिग्नल लगा मिलता है, एलईडी का टच सिग्नल आपको रियर में भी लगा मिलता है, एलईडी टेल लाइट मिलती है और ग्रैब हैंडल आपको कुछ इस तरह से इस बाइक में लगे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकल के आती है। इस साइड में भी देखेंगे तो आपको MT15 की आपको बैजिंग मिल जाती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है और राइडर फुटपैक्स प्लेन फुटपैक्स आपको मेटलिक आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से है इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। तो गाइस ये हो गया इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। तो इस बाइक का जो कर्ब वेट निकल कर रहा है 139 केजी का आपको इसका वेट मिलता है। लेंथ आपको मिलती है इस बाइक की 2059 का इसका लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो इसका जो विड्थ आपको मिलता है 800 mm का विड्थ दिया हुआ है। और हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हाइट मिलती है 1070 mm का हाइट दिया हुआ है। और इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1325 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और सीट हाइट आपको जैसा मैंने बताया कि 810 mm का आपको सीट हाइट मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। अब गाइस बात करें इसके प्राइसिंग का, तो गाइस मैंने जैसा कि बताया कि यह बाइक पहले से इसका प्राइसिंग बढ़ चुका है, 8 से 10 हज़ार रुपये इसकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप यमहा शोरूम में विजिट कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा यमहा MT15 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू। तो आपको रिव्यू और बाइक कैसी लगी जो इसमें अपडेट किया गया है कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।